हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बिटकॉइन प्राइस का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? आल्ट कॉइंस की इस वक्त क्या पोजीशन है? आल्ट कॉइंस में रिकवरी के क्या चांसेस हैं? कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव का क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मिनी प्राइस अपडेट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करेंगे बिटकॉइन का, और फिर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे हम टोटल ओवरऑल मार्केट को डिस्कस करेंगे ओल्ड कॉइंस की, के मोर देन 80% ओल्ड कॉइंस के रिकवरी के कितने दिनों में चांसेस हैं या कितने वीक्स लग सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारा हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके मतलब। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज काफी ज्यादा बुलिश रही है 14 आवर्स अगो पहले की, ये न्यूज है ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी इन्वेस्ट $50 मिलियन इन बिटकॉइन। ट्विटर के जो सीईओ है जैक डॉर्सी, उन्होंने $50 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन बाई किए हैं। आपको याद होगा 2017 में अगस्त में भी जॉन सीना जो रेसलर हैं, ठीक है, उन्होंने भी बीटीसी बाई करने की इंटेंशन शो की थी, तब भी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो काफी ज्यादा पंप हुई थी। ठीक है, तो जब भी कोई सेलिब्रिटी, ठीक है, बिटकॉइन को बाय करती है या इंटेंशन शो करती है इन्वेस्ट करने के लिए, तब बिटकॉइन की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बूम करती है। तो यही हुआ है कल भी जब ये न्यूज सामने आई है कि ट्विटर के जो सीईओ जैक डॉर्सी, उन्होंने जब ये न्यूज पब्लिश की है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो पंप हुई, जिसके नतीजे में ये वाला जो पैटर्न है ये भी ब्रेकआउट हुआ, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैक डॉर्सी चीफ ऑफ ट्विटर एंड यूएस बेस्ड पेमेंट कंपनी स्क्वायर हैज परचेज अराउंड 4709 बिटकॉइन एट एन एग्रीगेट परचेज प्राइस ऑफ $50 मिलियन। ठीक है, काफी ज्यादा बुलिश न्यूज है। इसकी जो डिटेल है आप सारा इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड न्यूज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बिटमैक्स के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो अरेस्ट हो गए थे, उनके ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस लगे थे इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग के भी मल्टीपल चार्जेस लगे थे, उनको बेल मिल चुकी है। बिटमैक्स फाउंडर एंड एक्स सीटीओ आउट ऑन $5 मिलियन बेल बॉन्ड अंटिल कोर्ट अपीयरेंस। ठीक है, तो ये भाई साहब भी बाहर आ चुके हैं जिन्होंने काफी दफा मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। बिटमैक्स एक वाहद एक्सचेंज है जिसके ऊपर काफी ज्यादा वॉल्यूम है, और जब ये देखते हैं कि लॉन्ग ऑर्डर्स काफी ज्यादा ओपन हो चुके हैं तो ये मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं कि इनको नुकसान ना हो, और जब ये इन्हें लगे कि मार्केट में काफी ज्यादा शॉर्ट ऑर्डर्स ओपन हो चुके हैं लेवरेज ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, तब ये पंप कर देते थे मार्केट को। तो काफी ज्यादा मैनिपुलेशन उन्होंने की है। ठीक है, तो शुक्र है कि इनको भी कोई नकेल डालने वाला आया है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स विच वर अप्रूव्ड ऑन October 1st, रेट्स ऑफ $5 मिलियन बॉन्ड विल बी फॉरफिटेड इफ ही फेल्स टू अपीयर इन कोर्ट और डज नॉट सरेंडर टू सर्व एनी सेंटेंस दैट कोर्ट मे इम्पोज अंडर द टर्म्स ऑफ डिफेंडेंट्स एग्रीमेंट। रीड हैड डिपॉजिटेड $5 मिलियन इन कैश विद कोर्ट। ठीक है, ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और जाहिर है जब ये सीईओ रिलीज हुआ है तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जब ये अरेस्ट हुआ तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, अब ये भाई साहब बाहर आ गए हैं। तो ये दो न्यूज हैं इस टाइम पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिनको डिस्कस करना जरूरी था। अगर हम लाइव चार्ट के ऊपर जाएं बिटकॉइन की, तो इस वक्त जो करंट प्राइस है वो है 11,065 USDT। ठीक है,
तो कल प्राइस जो है वो पंप हुई थी इस न्यूज की वजह से। ट्विटर के जो सीईओ है, ठीक है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, उन्होंने बिटकॉइन बाई किए, तो वॉल्यूम आया मार्केट में, 10 मिलियन डॉलर्स मार्केट में है। हम वॉल्यूम को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके बाद जब हम स्टार्ट को डिस्कस करें तो हमें सारा गेम प्लान समझ आ जाए। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो इस टाइम पे करंट जो वॉल्यूम है वो है 343 बिलियन डॉलर इस टाइम पे मार्केट में है। ठीक है, और अगर हम कल की बात करें, ठीक है, 8 अक्टूबर की बात करें, तो 333 बिलियन डॉलर सॉरी मार्केट में था। ठीक है, इस टाइम पे है 343 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स मार्केट में नए आए हैं, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन की प्राइस है वो भी हमें पंप होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ये लाइन देखें, 350 बिलियन की लाइन है, इसके ऊपर काफी दफा मार्केट ने जाने की कोशिश की है, मीन के वॉल्यूम ने जाने की कोशिश की है, लेकिन इसके नीचे ही रहा है। और आप देख सकते हैं एज ए रिजल्ट बिटकॉइन की प्राइस भी बेरिश रही है। यहाँ पे रिकॉर्ड हमें देखने को मिला था, ठीक है, अगर हम डाटा निकालें कहाँ से लेके कहाँ तक, विदिन आज मंथ क्या है, अक्टूबर, और अगर हम बात करें सितंबर लास्ट मंथ का, अगर हम डाटा निकालें तो एक मंथ में जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 390 बिलियन डॉलर मार्केट में। आई विश के विद इन फ्यू डेज के अंदर अंदर ये 391 या 92 बिलियन को भी क्रॉस कर जाए, मीन के 400 बिलियन डॉलर से ऊपर चला जाए, फिर बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश हो सकती है। ठीक है, तो नो डाउट 10 बिलियन मार्केट में आया है, जिसकी वजह से हमें वहां से बिटकॉइन की प्राइस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने ये पैटर्न बनाया था, सिमेट्रिकल पैटर्न था, ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने आपको टारगेट बताया था कि 11,300 डॉलर तक जा सकती है बिटकॉइन की जो प्राइस है। ठीक है, लेकिन कल जब ये ब्रेकआउट हुआ तो एक कंफ्यूजन थी, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कंफ्यूजन थी, ताकि आपको भी पता चले कि आपने मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, ये मैंने कल भी एक ड्रॉ किया था जब लास्ट वीडियो बनाई थी, सॉरी डे बिफोर यस्टरडे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 11,328 USDT हो सकता है, 11,328 USDT। ठीक है, लेकिन कभी ये कल ये ब्रेकआउट हुआ तो इसमें वॉल्यूम तो आया बिटकॉइन में, लेकिन इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आया कि जिसको हम कह सकें कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट था, एक मीडियम लेवल का हम कह सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम था। मैं ना तो इसको फेक आउट भी नहीं कह सकता था क्योंकि इसमें वॉल्यूम था नो डाउट, लेकिन इतना ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं था कि हम इसको कह सकें कि एक बुलिश ब्रेकआउट था। तो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट कैंडल वो आज की कैंडल है, ये जो बन रही है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है इसमें अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट था। ठीक है, और डेफिनेटली अगर ये बुलिश होता है, आप ये देख रहे हो जहाँ पे मैंने ये लाइन खींची है, तब ये 11,328 USDT से ऊपर मार्केट जा सकती है डॉलर से। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका क्या होगा, 11,328 USDT। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हो सकता है 11,900 डॉलर्स। ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना है 12,300 USDT का लेवल, डॉलर्स का लेवल। ठीक है, तो होपफुली ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर अब और पैसा आता है तो आपको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि इस टाइम पे 343 बिलियन डॉलर्स है, वो आपको 350 बिलियन डॉलर से अबव दिखाई देगा। तो फिर आपको लगेगा कि सारा कुछ मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपको ये 11,000 से ऊपर मार्केट दिखाई, अभी तो है वैसे, लेकिन कल या परसों दिखाई देती है, लेकिन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो रहा है, मीन के 343 बिलियन डॉलर से कम हो रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोबारा ये इसी टाइट चैनल में आ जाएगा जहां पे ये सिमेट्रिकल बन रहा था, एंगल चार्ट पैटर्न बन रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो आपको दोबारा से ये 10,500 पे भी दिखाई दे सकती है मार्केट, अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है तो इसका डायरेक्ट लिंक जो है टोटल मार्केट कैप के साथ है। एक और बात यहाँ पे काबिले गौर है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का हम वेट कर रहे होते हैं, तब हमें न्यूज़ की तरफ नजर रखनी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि एक अच्छी न्यूज़ ब्रेकआउट कर देगी, एक बुरी न्यूज़ ब्रेक डाउन कर देगी। अच्छी न्यूज़ आई, अफेक्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है, बुरी न्यूज़ आती तो ये ब्रेक डाउन हो चुका होता तो आपको ये प्राइस दिखाई देती 9,870 डॉलर्स के ऊपर। ठीक है,
जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसलिए जब भी ये एंगल्स बनते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का टाइम आता है, तब गूगल खोल के बार बार देखा करें, कभी लिखा करें बिटकॉइन प्राइस लेटेस्ट न्यूज टुडे, कभी लिखा करें क्रिप्टो न्यूज प्राइस लेटेस्ट टुडे, जो भी आपने लिखना है वो लिखें। और आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। इस टाइम पे तो ये बुलिश है और ये नेक्स्ट कैंडल भी मुझे बुलिश लग रही है, ये डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। थर्ड कैंडल के ऊपर तो ज्यादा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट इसके अलावा और अगर कोई चेंजेस आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, ठीक है। तो इस टाइम पे बुलिश है, ज्यादातर 70% चांसेस है ये 11,300 की तरह बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है या ऐसा कोई बेरिश मूड आता है, न्यूज आती है, तो फौरी आपको टेलीग्राम पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट टारगेट 11,328 यूएसडीटी, नेक्स्ट उसके बाद होगा 11,900, 11,900 के बाद होगा 12,300, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। अगर हम ओल्ड कॉइन्स की बात करें, देखिए अगर मार्केट में नया पैसा आ रहा है, बिटकॉइन भी बुलिश है, तो ओल्ड कॉइन्स भी पंप करेंगे, ठीक है। ये तब होता है कि मार्केट में नया पैसा ना आ रहा हो और बिटकॉइन की प्राइस पंप या डंप हो रही हो, ठीक है, या पंप हो रही है। आज के जो सिनेरियोस को डिस्कस कर लेते हैं, अगर मार्केट में पैसा ना आ रहा हो और बिटकॉइन की प्राइस पंप हो रही हो, इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड कॉइन से पैसा निकल के बिटकॉइन में जा रहा है, ओल्ड कॉइन्स ब्लीड हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में भी पैसा आ रहा है, बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जा रही है, फिर ओल्ड कॉइन्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादातर नहीं पड़ता है, तब ओल्ड कॉइन्स भी बुलिश होते हैं और बिटकॉइन भी बुलिश होता है। जैसे 2017 में हुआ था, बिटकॉइन की प्राइस भी पंप हो रही थी, ओल्ड कॉइन्स में ने भी न्यू ऑल टाइम हाई बनाए। इस टाइम पे गुड थिंग इज दैट मार्केट में नया पैसा भी आ रहा है, बिटकॉइन ने भी ब्रेकआउट कर दिया, बुलिश पैटर्न भी बन रहे हैं, प्राइसेस जो हैं वो भी बुलिश हो रही हैं, अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं, तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट के ज़्यादातर चांसेस कम हैं। अब होगा क्या कि ज़्यादातर बाइंग उन ओल्ड कॉइन्स में होगी, उन क्रिप्टो कॉइन्स में होगी जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बॉटम में जा चुकी हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा था KMD कॉइन पर नज़र रखें, टिजोस कॉइन के ऊपर नज़र रखें, ब्रेड कॉइन ऑलरेडी पम्प कर चुका है, रेवन कॉइन काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ठीक है, लाइट कॉइन के ऊपर नज़र रखें, जिलिका कॉइन के ऊपर नजर रखें, ठीक है, लिस्क कॉइन के ऊपर नजर रखें, कोटी कॉइन के ऊपर नजर रखें। बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि बहुत ज्यादा डिप में जा चुके हैं, तो ओल्ड कॉइन्स में ज्यादातर रिकवरी के चांसेस हैं। आई थिंक सो विद इन वीक के अंदर अंदर हम ओल्ड कॉइन्स में नया पंप देखने को हमें मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।